Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the Vedic Age. Now this is a demo session for all of you. ये ना आप लोगों के लिए एक demo session है. This is how we are taking classes on Unacademy Plus. इस तरीके से हम Unacademy Plus पर classes ले रहे हैं. ये उसी का एक छोटा सा demo session है आप लोगों के लिए, ठीक है? So I am taking the ancient Indian history batches on Unacademy Plus. मैं Unacademy Plus पर ना ancient Indian history batches ले रही हूँ, ठीक है? I am taking the ancient Indian history, I am also taking medieval Indian history, and also I am taking the modern Indian history batches. Soon I am going to start with the essay classes as well. So if you are willing to subscribe to Unacademy Plus, here is your chance. आपके पास चांस है. अगर आप Unacademy Plus पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू हैव द चांस टू टेक द सब्सक्रिप्शन. न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan. आपकी जो न्यू बैचेस है ना, वो 18th Jan से स्टार्ट हो रही हैं. दैट इज फ्रॉम टुमारो द न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दीज बैचेस, बिकॉज यहाँ पर आपको 6 month के बैच भी देखने को मिलेंगे. यू विल गेट द 6 month बैचेस ऑल्सो इन बोथ हिंदी, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल लैंग्वेज. यू विल बी गेटिंग ओवर हियर द 1 year बैच एज वेल एंड द 2 year बैचेस. तो आपके लिए 1 year का भी बैच है, 2 year का भी बैच है, इवन आपके पास 6 months का भी बैच है. प्लस वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एनसीईआरटी बैचेस नाउ. तो आप एक बार Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. यू कैन एक्सेस ऑल द एजुकेटर्स, ऑल देयर कोर्सेज इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड द कोर्सेज आर इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, एंड बायलिंगुअल कोर्सेज भी हैं. आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से कोर्सेज हैव बीन डिजाइन फॉर ऑल ऑफ यू. कंप्लीट प्रिपरेशन विल बी डूइंग, ठीक है? कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस and PDF study material will be given to you. Top educators are taking the classes on Unacademy Plus, and you can also now get 10% discount if you use this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हैं ना Sharma20, तो आपको easily 10% discount भी मिल रहा है Unacademy Plus पर, ठीक है? You are getting 10% off by using this code Sharma20. तो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू Unacademy Plus. जल्दी से सब्सक्रिप्शन अपनी ले लीजिए और जल्दी से इन क्लासेस में आ जाइए, ठीक है? एंड वी आर कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर हिस्ट्री. हम हिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड सी आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स इन अ यू नो हैंडमेड मैनर. मैं हैंडमेड मैनर्स में फ्लो चार्ट फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन तो फटाफट से ले लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल क्लास ऑन Unacademy Plus दैट वी आर कंडक्टिंग इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ना क्लासेस को फ्लो चार्ट मैनर में तैयार किया है. आई प्रिपेयर दी क्लासेस इन दी फ्लो चार्ट मैनर सो दैट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू रिवाइज आफ्टरवर्ड्स. ओके, बाद में रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है. देखो बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम क्लासेस में, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू Unacademy Plus एंड गेट दीज नोट्स. फटाफट से ये नोट्स आप ले सकते हो सब्सक्राइब करके, और आप अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हो, यानी कि उसको और स्ट्रेंथन अप कर सकते हो. सो सब्सक्राइब टूडे, यूज दिस कोड Sharma20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट द डेमो सेशन. डेमो सेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वैदिक सिविलाइजेशन. आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है? नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन. काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑल योर सोसाइटी, ट्रेडिशन, कल्चर, एवरीथिंग गॉट डेवलप्ड इन द वैदिक सिविलाइजेशन ओनली. सारी आपकी सोसाइटी, ट्रेडिशन, कल्चर, कास्ट, दिस एंड दैट, एवरीथिंग गॉट डेवलप्ड इन द सिविलाइजेशन. प्लस वी गॉट लिटरेचर ऑल्सो, सो वी हैव सॉलिड एविडेंसेस ऑफ द सिविलाइजेशन एज वेल. हमारे पास लिटरेचर, रिटन प्रूफ भी है सिविलाइजेशन का, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट. वैदिक सिविलाइजेशन. वैदिक मीन्स दिस वैदिक टर्म हैज बीन गिवन बिकॉज ऑफ द वेदास. वेदास की वजह से हमने वैदिक टर्म दिया है, बिकॉज द वेदास द लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर, दे आर फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेदास, आई होप यू आर मेकिंग नोट साइमल्टेनियसली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदास, वेदास हैव बीन टेकन फ्रॉम अ रूट वर्ड. वेदास को हमने एक रूट वर्ड से लिया है, दैट इज नोन एज विद, जिसको हम बोलते हैं विद. एंड विद मीन्स टू नो. विद का मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है? टू नो. एंड वेदास आर ऑल्सो नोन एज श्रुति. वेदास को हम श्रुति भी बोलते हैं. नाउ श्रुति मीन्स, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है टू ऑब्टेन नॉलेज, टू ऑब्टेन नॉलेज बाय हियरिंग, बाय हियरिंग.
ठीक है, सुनकर नॉलेज को, ज्ञान को ग्रहण करना, बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय हियरिंग. इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग बट यू आर फोकसिंग ऑन लिसनिंग इन द क्लास, दैट मीन्स यू आर ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय हियरिंग. अगर आप मान लो कुछ लिख नहीं रहे बट आप सुन रहे हो फोकसली, ठीक है, फोकस के साथ, फोकस्ड अप्रोच के साथ, तो इसका मतलब आप नॉलेज को सुनकर ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, दैट इज श्रुति. ओके, सो श्रुति की जब हम बात करते हैं, श्रुति ऑल्सो मीन्स टू नो. श्रुति का मतलब क्या होता है? टू नो भी होता है, ठीक है. विद एंड श्रुति वन एंड द सेम थिंग एंड वी गॉट द वेदास. नाउ वेदास आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. वेदास जो है वो फोर टाइप्स या फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है. फर्स्ट इज नोन एज द ऋग वेदा. फर्स्ट को हम बोलते हैं ऋग वेदा. सेकेंड इज नोन एज द साम वेदा. सेकेंड हो जाता है आपका साम वेदा. एंड दी थर्ड इज नोन एज द यजुर्वेदा. थर्ड हो जाता है यजुर्वेद. एंड द लास्ट वन इज नोन एज अथर्ववेद. इनिशियली वी हैड ओनली थ्री वेदास. इनिशियली हमारे पास सिर्फ तीन वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद. ओके, बट लेटर ऑन अथर्ववेद वॉज एडेड. बाद में जाकर अथर्ववेद को एड किया गया. सो वी गॉट द फोर वेदास. ओके, नाउ ऋग्वेद इज ऑल्सो लिस्टेड इन द यूनेस्कोज लिस्ट. यूनेस्को की लिस्ट में भी ऋग्वेद का नाम है. इट इज द ओल्डेस्ट वेद. इसको ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, ठीक है. एंड इट हैज समवेयर अराउंड 1028 मोस्ट प्रोमिनेंट हिम्स. यहाँ पर कुछ 1028 बहुत फेमस हिम्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट हिम्स हैं. हिम्स क्या होते हैं? प्रेयर्स, मंत्रास, दीज आर द हिम्स दैट यू यूज फॉर चैंटिंग, ठीक है. और दी यू नो स्पेशल मंत्रास, मिस्टिक मंत्रास, जो मंत्र होते हैं, मिस्टिक, भजन नहीं होते. भजन तो वो सामवेद में बनते हैं, ठीक है. ऋग वेदा में देर इज नो मेलेडी. इन ऋग वेदा देर आर नो मेलेडीज, नो म्यूजिक. सो वी कैन कॉल देम मंत्रास, मिस्टिक मंत्रास. ओके, इन सामवेद द मेलेडी इज एडेड टू द मंत्रास ऑफ ऋग वेद. सामवेद में क्या होता है? ऋग वेद के जो हिम्स हैं उसमें मेलेडी, म्यूजिक एड किया जाता है, सुर एड किए जाते हैं. सो इट बिकम सामवेद. साम इज रिलेटेड टू मेलेडी. द ट्यून्स आर एडेड, द म्यूजिकल ट्यून्स आर एडेड टू द हिम्स ऑफ ऋग वेद, दैट बिकम सामवेद. ओके, नाउ यजुर्वेद डील्स विद, ये रिचुअल से डील करता है, डिफरेंट रिचुअल्स, सैक्रीफाइसेस एक्सेट्रा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल आर गेटिंग मैरिड. मान लो दो लोगों की शादी हो रही है. सो द मंत्रास दैट विल बी यूज्ड बाय द प्रीस्ट टू चैंट टू कंडक्ट दैट वेडिंग सेरेमनी, दैट विल बी टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा. फॉर एग्जाम्पल, देर इज एनी डेथ सेरेमनी दैट इज गोइंग ऑन, और फॉर एग्जाम्पल देर इज एनी बर्थ सेरेमनी और दी नेमिंग सेरेमनी, ठीक है. बच्चा पैदा होता है तो जो नामकरण सेरेमनी होती है उस दौरान जो मंत्र यूज होते हैं वो यजुर्वेद से यूज होते हैं. सो इफ यू परफॉर्म एनी यू नो संस्कार, एनी रिचुअल, एनी सैक्रीफाइस, द मंत्र विल बी टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा. नाउ इफ यू आर डूइंग एनी ओकल्ट प्रैक्टिस, अगर कोई इंसान कोई तांत्रिक विद्या की प्रैक्टिस कर रहा है तो तब भी मंत्र यजुर्वेद से लिए जाएंगे. देन ऑल्सो द मंत्रास विल बी टेकन फ्रॉम द यजुर्वेद. ओके, पॉइंट इज क्लियर. नाउ देन वी हैव द अथर्ववेद. अथर्ववेद क्या है? इसके अंदर सारी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस होती है, सारे मेडिसिनल मंत्रास. देर आर ऑल द मेडिसिनल मंत्रास रिटन इन अथर्ववेद. प्लस इट ऑल्सो हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हर्ब्स. जितने भी आपके हर्ब्स होते हैं ना फॉरेस्ट में, जितनी भी पत्तियां हैं जिससे कोई ना कोई बीमारी सही होती है, वो सब अथर्ववेद में है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी प्लांट, ठीक है. इन्फॉर्मेशन अबाउट तुलसी प्लांट इज रिटन इन अथर्ववेद, ठीक है. जो आपकी संजीवनी बूटी है, द संजीवनी बूटी दैट वॉज यूज फॉर यू नो लक्ष्मणा, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन द अथर्ववेद. सो ऑल दी हर्बल प्लांट्स, ऑल दी मेडिसिनल प्लांट्स आर मैंशनड इन अथर्ववेद, ठीक है. सो टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. नाउ आफ्टर स्टडिंग द वेदास, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड स्टडी इज, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो ये है, इधर देख सकते हो आप लोग, दैट द वैदिक पीरियड. व्हेन वी टॉक अबाउट द वैदिक पीरियड, सो वैदिक सिविलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, इन द वैदिक पीरियड इट इज नोन दैट देवर सेवन रिवर्स. वैदिक पीरियड में सेवन रिवर्स थी जो बहुत प्रोमिनेंट थी. देवर ऑल्सो मैंशनड इन द वेदास. दीज सेवन रिवर्स आर ऑल्सो मैंशनड इन द वेदास विद डिफरेंट नेम्स. फर्स्ट वॉज झेलम, पहला हो गया झेलम. दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर. ये सारी इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. सो वी हैड इंदस रिवर विच इज नेम्ड एज सिंधु, जिसको हम सिंधु बोलते हैं. देन वी हैव झेलम. झेलम इज नोन एज वतीस्ता. इन द वेदास इट इज गिवन अ नेम कॉल्ड वतीस्ता. देन वी हैव ब्यास विच इज नोन एज विपासा. देन चिनाब रिवर इट इज नोन एज अस्किनी इन द वेदास. रवि रिवर इज नोन एज पुरुषनी इन द वेदास. एंड सतलुज रिवर इज नोन एज सुतुद्री इन द वेदास. स्पेलिंग इज SUTUDRI, ठीक है.
तो आपको ये नाम जो है संस्कृत नेम्स, ये सिर्फ मेंस के लिए याद रखने हैं, प्रीलिम्स में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टिल नाउ दे हैव नॉट आस्क दी संस्कृत नेम्स इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, ठीक है। बट स्टिल अगर आप याद रखना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड अगर आप याद रख सकते हो। वैसे तो पूछा नहीं गया, इन द लास्ट 10-11 ईयर्स दे हैव नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, ओके, फ्रॉम द नेम्स। सो दिस रीजन, एज यू कैन सी इन द मैप, ये जो रीजन है पूरा, ये इट दिस रीजन वॉज ड्रेम्ड बाई दी 7 रिवर्स, ठीक है। तो इसको हम सप्त नदी भी बोलते थे। देन वी हैव सरस्वती, दैट इज द घाघर हाकरा रिवर, एंड दिस रिवर इज इमेजिनरी, दैट मीन्स ये अब ड्राई अप हो चुकी है। इट इज नाउ एन इमेजिनरी रिवर, इट हैज ड्राइड अप, ठीक है। येस, ट्रेसेज हैव बीन फाउंड ऑफ सरस्वती, बट राइट नाउ इट्स अ ड्राइड अप रिवर, ओके। सो ओवर हियर दिस पर्टिकुलर लैंड वॉज नोन एज सप्त सिंधु, इस एरिया को हम सप्त सिंधु कहते थे। वाई सप्त सिंधु, सप्त मीन्स 7 एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर, सो टोटल 7 रिवर्स थी, ओके। एंड इट इज सेड बाई हिस्टोरियंस दैट दी पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड वर आर्यंस, जो लोग थे वैदिक पीरियड के वो आर्यंस हुआ करते थे, देवर नोन एज आर्यंस, ठीक है। एंड दे यूज हॉर्स चेरियट्स, दे हैड सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बट दे कुड नॉट स्टैब्लिश देयर पोलिटिकल डोमिनेंस इन द रीजन। पोलिटिकल डोमिनेंस वॉज स्टैब्लिश्ड इन द महाजनपद पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो पीरियड आता है उस पीरियड में एम्पायर्स बनते हैं। आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन द पीरियड दैट कम्स इज द महाजनपद पीरियड, एंड इन दैट पीरियड वी गेट द सिविलाइजेशन, उस पीरियड में हमको सिविलाइजेशन मिलते हैं। इन दैट पीरियड वी गेट द पोलिटिकल डोमिनेशन ऑफ डिफरेंट रूलर्स। इन वैदिक पीरियड पीपल वर जस्ट लर्निंग हाउ टू यू नो सेट अप अ स्मॉल किंगडम, एक छोटा सा किंगडम कैसे सेटअप करना है, लोग सीख रहे थे। वैदिक सिविलाइजेशन यू नो यू कैन से दैट इट वाज अ पीरियड ऑफ लर्निंग, वो बस सीखने का पीरियड था, लोग बस सीख ही रहे थे उस पीरियड में। एंड दे एक्सरसाइज्ड व्हाट दे अंडरस्टूड इन अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट डोमिनेशन, अबाउट रूलिंग इन द महाजनपद पीरियड, ओके। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? सो इन दिस एरिया यू कैन सी इन द वैदिक कल्चर वी स्टडी डिफरेंट वेदास, ऋग्वेद, देन वी हैव सामवेद, देन वी हैव यजुर्वेद, एंड वी हैव अथर्ववेद। These are the 4 Vedas, and Rigveda composers describe themselves as Arya. This is important. Rigveda के जो composers हैं वो खुद को Arya बोलते हैं. Arya is a superior tribe. Arya को superior tribe माना जाता है. The pure blood people, they used to call themselves pure blood. The fair skinned people, ठीक है, जो गोरे हैं, जो pure blood के हैं, वो अपने आप को बोलते थे Arya, ठीक है. So over here we have the Aryas. यहाँ पर हमारे पास Aryas हैं. Aryas are divided into different caste. क्षत्रियाज ऑल्सो, ब्राह्मण ऑल्सो, ठीक है। ये आर्यास जो थे ये अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। दे वर नॉट जस्ट दी ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, बिकॉज आर मीन्स टू कल्टिवेट, आर का मतलब होता है कल्टिवेट करना, सो दे वर फार्मर्स ऑल्सो, ओके। वहां पर फार्मर्स भी हुआ करते थे, द वैश्यास वर ऑल्सो देयर, ओके। तो यहाँ पर 2 ट्राइब्स थी, वी हैड 2 ट्राइब्स, फर्स्ट वर दी आर्यास, सेकेंड वर दी पानिस। जो पानिस थे ना, बोथ ऑफ देम यूज टू फाइट विद ईच अदर, एंड द पानिस दे वर दी पीपल हु वर डार्क स्किन्ड, ये थे डार्क स्किन्ड लोग, उनको पानिस बोलते थे। एंड आर्यास वर फेयर स्किन्ड, ओके, एंड दे यूज्ड टू से दैट वी आर बॉर्न टू रूल, भाई हमें तो प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, वी आर प्योर ब्लडेड पीपल, राइट। एंड पानिस वर नॉट कंसिडर्ड एज प्योर ब्लडेड पीपल, एंड पानिस ऑल्सो यूज टू स्टील अवे द काउज ऑफ आर्यास। पानिस जो थे ना वो स्टीलिंग बहुत करते थे, दे वर इंडल्ज्ड इन स्टीलिंग एक्टिविटीज, दैट इज वाई दे बोथ वर दे यूज टू फाइट विद ईच अदर, दैट इज वाई देवर कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन आर्यास एंड पानिस, ओके। नाउ जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इट इज द सिविलाइजेशन और यू कैन से एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम लिटरेचर वॉज गेटिंग फॉर्म्ड, पहली बार लिटरेचर तैयार हो रहा था। इन द हरप्पन सिविलाइजेशन देर वॉज नो यू नो यू कैन से टाइप ऑफ लिटरेचर दैट वॉज क्रिएटेड, नथिंग वॉज रिटन डाउन, बट इन द वैदिक सिविलाइजेशन, इन द वैदिक एज पीपल स्टार्टेड राइटिंग, एंड द कंपोजर्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट वर नोन एज इंडो आर्यंस, ठीक है। इंडो आर्यंस कहा जाता था, इंडो आर्यंस मीन्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक टर्म, ठीक है। इंडिया के थे, इंडो आर्यंस बोला जाता था इनको, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज जो थी प्रोमिनेंट लैंग्वेज संस्कृत थी, द प्रोमिनेंट लैंग्वेज वॉज संस्कृत, बिकॉज ऑल द वेदास आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली, सभी वेदास जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, ठीक है। यहां से पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर। सो ओवर हियर द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, वैदिक पीरियड जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओवर हियर वी हैव द अर्ली वैदिक पीरियड
एंड इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर. ये लिटरेचर के बेसिस पे डिवाइडेड है. सो वी हैव द अर्ली वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक कल्चर, ठीक है, और विच इज ऑल्सो नोन एज ऋग वैदिक कल्चर. इसको हम ऋग वैदिक कल्चर भी बोलते हैं. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ऑल्सो नोन एज ऋग वैदिक कल्चर. सेकेंड इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड. सेकेंड को हम बोलते हैं लेटर वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है. इसको लेटर वैदिक लिटरेचर भी बोलते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे द अर्ली वैदिक कल्चर. आज हम अर्ली वैदिक कल्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो वेन वी टॉक अबाउट द लेटर वैदिक कल्चर, हेयर वी हैव द अथर्व वेदा. आई टोल्ड यू दैट अथर्व वेद वॉज एडेड वेरी लेट इन द लिस्ट ऑफ वेदास. अथर्व वेद को काफी टाइम बाद एड किया गया था, ठीक है. सो अथर्व वेद इज अ पार्ट ऑफ लेटर वैदिक कल्चर. अर्ली वैदिक कल्चर में वी हैव ऋग्वेद, यहाँ पर हमारे पास ऋग्वेद है. वी हैव द सामवेद ओवर हियर, ठीक है, एंड वी हैव द यजुर्वेद ओवर हियर. यहाँ पर हमारे पास यजुर्वेद आता है, ऋग्वेद एंड सामवेद आता है. हियर वी हैव द अथर्ववेद, ठीक है. एंड इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट द कास्ट सिस्टम, ठीक है, द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड, नॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम वॉज सोली बेस्ड ऑन प्रोफेशन. इन अ फैमिली यू कैन बिलोंग, यू नो, द सन कैन बिलोंग टू द कास्ट ऑफ फार्मर, ठीक है, ही कैन बी अ फार्मर. द यू नो फादर ऑफ द सन कैन बिलोंग टू द कास्ट ऑफ ब्राह्मण, ही कैन बी अ प्रीस्ट, ये ब्राह्मण हो सकते हैं. एंड हिज फादर कैन बी अ लेबरर, इनके फादर लेबरर हो सकते हैं. सो इन वन फैमिली ओनली देर डिफरेंट कास्ट. इन द अर्ली वैदिक कल्चर देर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बिकॉज कास्ट मीन्स योर प्रोफेशन. कास्ट मतलब आपका प्रोफेशन. बट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड इन द लेटर वैदिक कल्चर वेन ईगो केम अप. क्षत्रियास की ईगो थोड़ी बढ़ने लगी, ब्राह्मण्स की थोड़ी नॉलेज बेस्ड ईगो बढ़ने लगी, तो दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग विद द अगेंस्ट द अदर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट. ओके, व्हेन द ब्राह्मण्स द प्रीस्ट दे गॉट देयर ईगो गॉट ओवरशैडोड विद नॉलेज, दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग. जब नॉलेज का थोड़ा ज्ञान बढ़ गया ना, तो ईगो बढ़ गया. एज नॉलेज इंक्रीज द ईगो इंक्रीज, दैट इज वाई दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग. ओके, सो लेटर वैदिक कल्चर सॉ द पोजिशन ऑफ वुमेन कमिंग डाउन. इट ऑल्सो सॉ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. दीज टू थिंग्स वर प्रोमिनेंट इन लेटर वैदिक कल्चर, नॉट इन अर्ली वैदिक कल्चर. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. अब बात करते हैं ऋग्वेद की. लेट्स टॉक अबाउट द ऋग्वेदा. इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऋग्वेदा. टोटल हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा. ऋग्वेद में कितने हिम्स है जो बहुत फेमस है. आई टोल्ड यू इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस क्लास, यस, 1028 हिम्स. दीज आर द मोस्ट फेमस मंत्रास. एंड हेयर आई टोल्ड यू अबाउट वन उपवेदा ऑल्सो. मैंने आपको बताया था उपवेद ऋग्वेद का कौन क्या है, जल्दी से बताओ. द उपवेद ऑफ ऋग्वेद इज आयुर्वेद, ठीक है, इट इज आयुर्वेदा. रिमेम्बर दिस. एंड वॉट इज उपवेद, वॉट डिड आई टेल यू उपवेद क्या है? एक्स्ट्रा नोट्स, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं. वंस यू हैव क्रिएटेड योर ओन नोट्स, इफ यू गेट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू विल राइट इट इन उपवेद. अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उपवेद में लिखोगे. नाउ द क्वेश्चन इज, मैम वेयर डिड दे गेट दिस एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम? ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज रिटन इन द वेदास, दे रिसीव्ड, द सेजेस द सेंट्स रिसीव्ड दैट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग देयर मेडिटेशन. अपने ध्यान के समय, मेडिटेशन साधना के समय जो उनको नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज वो वेदों में लिखते हैं. So all these extra knowledge that they are getting it from the through the meditation. When they meditate, they connect themselves to the source, the universal source that has created this entire world. ठीक है, जिस सोर्स ने ये पूरी दुनिया बनाई है, उस सोर्स से कनेक्ट होता करते थे सेजेस मेडिटेशन के थ्रू. एंड देन दे यूज टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन, दे यूज टू राइट इट डाउन इन द वेदास. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड ऋग्वेद इज द अर्लीएस्ट वेदा दैट वी हैव कवर्ड. ये अर्लीएस्ट वेद है, ठीक है. इट इज ऑल्सो मैंशनड इन द यूनेस्को साइट. ये यूनेस्को साइट में भी मैंशन है इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स, राइट इट डाउन, द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज. ठीक है, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर. ठीक है, हमारी एंशियंट हिस्ट्री से हमको क्या मिला है, दैट इज हेरिटेज. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऋग्वेदा, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ऋग्वेद, सो फार वी हैव स्टडीड दैट इट हैज 1028 हिम्स, अर्लीएस्ट वेदा, उपवेदा इज आयुर्वेद. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन दिस ऋग्वेद देर आर अदर उपवेदाज ऑल्सो, और भी बाकी भी उपवेदा है इसमें. ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल कितनी बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर? दिस ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज द फैमिली बुक.
इसको हम फैमिली बुक भी बोलते हैं, ठीक है? व्हाई इट इज नोन एज फैमिली बुक, इसको फैमिली बुक क्यों बोलते हैं? बिकॉज अ पर्सन टू लिव अ लाइफ ऑफ रेनन्सिएशन बींग इन द फैमिली, मतलब गृहस्थ होकर भी आप विरक्ति की जो लाइफ जीते हो, यानी कि आप घर में हो फिर भी आप मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच नहीं हो, यू आर अ हाउस होल्डर स्टिल यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स, यू आर नॉट अटैच्ड और पोसेसिव अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है? मनी, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ऑल दीज थिंग्स दे यू नो दे आर अनेबल टू अफेक्ट यू, ये सारी चीजें आप पर कोई असर नहीं रखती हैं। इवन यू नो बींग अ हाउस होल्डर यू आर कनेक्टेड विद द ऑलमाइटी, विद द यूनिवर्सल पावर, दैट मीन्स दैट यू आर अ हाउस होल्डर हु इज ऑल्सो अ रेनन्सिएट, आप एक ऐसे गृहस्थ हो जिसने दुनिया का मोह माया छोड़ रखा है, ठीक है? तो उसको हम फैमिली बुक में ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, गृहस्थ होकर आप कैसे दूसरों चीजों को छोड़ सकते हो, चीजों को इग्नोर कर सकते हो, मटीरियलिस्टिक चीजों को, वो सारे रूल्स रेगुलेशन मंत्र साधना ऋग्वेद में लिखी हुई है। सो ऋग्वेद इज ऑल द मंत्रास, ऑल द हिम्स विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज अ हाउस होल्डर बट इज कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी सोर्स, ठीक है? हु इज नॉट कनेक्टेड विद दिस स्मॉल मटीरियलिस्टिक इमोशंस एंड थिंग्स, ओके? सो दैट इज व्हाट इज नोन एज फैमिली बुक, इसलिए इसको फैमिली बुक कहते हैं। एंड देर आर टोटल 10 मंडल्स इन ऋग्वेद, 10 मंडल्स, मंडल्स मतलब होता है बुक्स, मंडल्स मीन्स बुक्स, टोटल 10 मंडल्स हैं ऋग्वेद में, 10 बुक्स हैं इसके अंदर जो आपको याद रखनी है, नेम याद नहीं रखने, नंबर याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर द नंबर, ओके? नाउ कमिंग ऑन टू द सामवेद, अब बात करते हैं सामवेद की। When we talk about Samaved, it is all about adding the melodies to the Rig Ved. And total there are 1810 melodies. Total 1810 melodies hain iske andar, Samaved ke andar. Okay? And the name of the Upved of Samaved is, likh lijiye isko patapat se, Gandharva Ved. It is known as Gandharva Ved. This is very important. गंधर्व वेद इसके उपवेद का नाम है। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट गॉड्स, डेमी गॉड्स, ठीक है, मिस्टिक्स, तो इसमें एक गंधर्व वर्ड आता है। वी हैव अ वन वर्ड कॉल्ड गंधर्व। इट इज सेड दैट गंधर्वास आर दोज डेमी गॉड्स, ये वो डेमी गॉड्स हैं हु आर डांसर्स, हु आर म्यूजिशियंस। तो हमें जो म्यूजिक का ज्ञान दिया है, डांस का ज्ञान दिया है, वो गंधर्व ने दिया है। द नॉलेज ऑफ म्यूजिक, द नॉलेज ऑफ डांस दैट ह्यूमंस हैव रिसीव्ड, we have received it from Gandharvas who are the demigods of dance and music, okay? This is a part of your Vedas, ye Veda ki knowledge, Veds ki knowledge hai jo main aapko de rahi hu, theek hai? Point clear ho gaya? That is why Samaved, its Upaved is known as Gandharva Ved, okay? Now Samaved is a collection of verses which are taken from Rig Ved and music is added to those verses, us mantron mein music add kiya gaya hai, so that is why it is known as Samaved, okay? Now coming to the next important ved, that is known as Yajurved. अब आता है आपका Yajurved. Verses means hymns or mantras, ठीक है? So Yajurved में its upved is known as, इसका जो upved होता है उसको हम बोलते हैं धनुर्वेद, that is known as धनुर्वेद, okay? And Yajurved, it has all the procedures related to performance of sacrifices or rituals. पंडित जो भी सैक्रिफाइस, जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करता है, जो भी संस्कार परफॉर्म करता है, उसमें जो मंत्र का यूज होता है वो यजुर्वेद से होता है। ऑल द मैरिज रिचुअल्स, डेथ सेरेमनी रिचुअल्स, बर्थ सेरेमनी रिचुअल्स, ऑल दोज ग्रह प्रवेश रिचुअल्स, ऑल दोज रिचुअल्स आर टेकन फ्रॉम, द मंत्र्स आर टेकन फ्रॉम यजुर्वेद। एंड दिस यजुर्वेद इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, यजुर्वेद को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। I told you about the occult practices also. मैंने आपको occult practices के बारे में बताया था ना, all the तंत्र, you know, विद्या, जो भी तंत्र विद्या होती है आपकी, जो भी काला जादू होता है, black practices, black magic, mystical practices, white magic, all of those are also mentioned in Yajurved. So Yajurved is divided into two parts. First is known as, write it down, the Shukla Yajurved. YB means Yajurved, Shukla Yajurved, or it is also known as the White Yajurved. इसको व्हाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं, ठीक है? और इट इज ऑल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, वाजसानेया, इट इज ऑल्सो नोन एज वाजसानेया, ठीक है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नोन एज कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? इसको ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं। नाउ विच वन ऑफ दीज टू कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक प्रैक्टिसेस, जल्दी से बताओ, यानी कि ओकल्ट प्रैक्टिसेस, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक? यस, इट इज द कृष्ण यजुर्वेद,
ठीक है, सारी तंत्र विद्या यहाँ पर है भैया, सारी ओकल्ट मिस्टिकल प्रैक्टिसेस आर ओवर हियर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दी मैरिज रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, बर्थ सेरेमनी, नेमिंग रिचुअल, इट इज प्रेजेंट इन शुक्ल यजुर्वेद। सारी जो नॉर्मल रिचुअल्स है ना, सारे जो नॉर्मल संस्कार से मंत्र हैं, वो आपके सारे वाजसान्य में है। इफ यू हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, मान लो आपने एक नया घर लिया है, यू कंडक्ट अ हाउस प्योरिफाइंग सेरेमनी, गृह प्रवेश होता है आपका, ठीक है, यू कंडक्ट अ हवन। सो द मंत्रास दैट आर यूज्ड इन दैट सेरेमनी आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है वो मंत्र, जल्दी से बताओ। जब आप गृह प्रवेश करते हो, जो पूजा होती है, मंत्र कहाँ से लेते हैं? यस, शुक्ल यजुर्वेद। बट लेट अस से दैट देर इज एन अघोरी, एक अघोरी नागा बाबा, यू नो, बाबा है या साधु है, ही इज परफॉर्मिंग सम ओकल्ट प्रैक्टिसेस, देन ही विल टेक द मंत्रास फ्रॉम, यस, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अभी तो कोई डाउट नहीं है यजुर्वेद को लेकर, नाउ देर इज नो डाउट रिगार्डिंग यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अथर्ववेद। नाउ वी हैव दी अथर्ववेद, ठीक है, दिस इज दी नेक्स्ट वेद। दिस वेद हैज 711 हिम्स, इसके अंदर कुछ 711 मंत्रास हैं, ठीक है। एंड एंड दी उपवेद ऑफ अथर्ववेद इज नोन एज शिल्पवेद। इसका जो उपवेद है उसको हम शिल्पवेद बोलते हैं। शिल्प इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, शिल्प जो है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो दिस अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ, राइट इट डाउन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स विच कैन क्योर एनी डिजीज, जो कि किसी भी डिजीज को सही कर सकता है, और इट कैन वार्ड ऑफ, इट कैन रिमूव द ईविल स्पिरिट्स। मान लो कोई काला साया है, जैसे बोलते हैं ना वेदा में, वेद्स में, इफ देर इज एनी ईविल स्पिरिट विच इज हार्बरिंग ओवर यू, राइट, ट्राइंग टू हर्ट यू, हार्म यू, सो दैट कैन बी वार्ड ऑफ थ्रू दी अथर्ववेदा मंत्रास ओनली, ठीक है। एंड देर आर टोटल 20 बुक्स इन अथर्ववेदा, अथर्ववेद में टोटल 20 किताबें हैं, एंड टोटल इन 20 किताबों में 711 हीम्स हैं, देर आर टोटल 711 हीम्स, ओके, पॉइंट क्लियर। सो दैट इज द अथर्ववेद, ये हो गया आपका अथर्ववेद, पॉइंट क्लियर है। नाउ दिस वेद ऑल्सो रिलेट्स और टॉक्स अबाउट वास्तु शास्त्र, ये जो वेद है ना, ये वास्तु शास्त्र की भी बात करता है। वास्तु शास्त्र इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। व्हेन यू क्रिएट, बिल्ड अ हाउस, यू फोकस ऑन द पोजीशन ऑफ बाथरूम, द पोजीशन ऑफ योर बेडरूम, द पोजीशन ऑफ योर बेड, द पोजीशन ऑफ योर ड्रॉइंग हॉल, डाइनिंग टेबल, एटसेट्रा, ठीक है। सो इट इज साउथ ईस्ट फेसिंग, और इट इज ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, एटसेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इट इज रिटन इन वास्तु शास्त्र। सो दैट इज वाई इट्स उपवेद इज ऑल्सो नोन एज शिल्प वेद, इट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ वेन वी टॉक अबाउट दी अथर्ववेद, जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं, इसके बाद हर वेद में उपवेद है, एवरी वेद हैज एन उपवेद, ओके, हर वेद में उपवेद आता है। नाउ एवरी वेद ऑल्सो हैज डिफरेंट अदर सेट ऑफ बुक्स एज वेल, तो यहां पर आप देखोगे एवरी वेद हैज उपवेद एंड इट हैज ब्राह्मणा ऑल्सो, हर वेद में एक ब्राह्मणास होते हैं। ब्राह्मणास आर लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ, राइट इट डाउन, दी डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स एंड प्रोनंसिएशन ऑफ दी मंत्रास रिटन इन द वेदास, वेद में जो मंत्र लिखे हैं उनको कैसे प्रनाउंस करना है, उसके रूल्स और प्रोनंसिएशन आर मेंशन इन ब्राह्मणास। बिकॉज इफ यू आर यूजिंग अ मंत्रा बट यू आर प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, देन दिस दैट मंत्रा विल हैव नो इफेक्ट ऑन यू। अगर आप कोई मंत्र चांट कर रहे हो और उसको गलत तरीके से उसका उच्चारण कर रहे हो, कोई असर नहीं होगा, ठीक है। सो वेन द मंत्रास आर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, यू नो, करेक्टली, देन इट इज इफेक्टिव, तब उसकी पावर इफेक्टिव होती है। सो द रूल्स हाउ टू चांट द मंत्रास, इन वॉट पोजिशन यू हैव टू सिट एंड चांट द मंत्रास ऑफ द वेदास एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम, इट इज रिटन इन ब्राह्मणास, ओके। देन वी हैव आर्यन कास, अब हमारे पास नेक्स्ट सेट होता है, हर एवरी वेद हैज आर्यन कास। आर्यन कास आर ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट बुक्स, इनको हम फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर। एंड दीज आर नोन एज फॉरेस्ट बुक्स वाई, बिकॉज दे आर रिटन बाय हर्मिटेज, द हर्मिट्स हु रिसाइड इन फॉरेस्ट, वो सेजेस, वो सेंट्स जो कि आपके शहरों में या गांव में नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, दे हैव डन 100 ईयर्स ऑफ पेनेंस एंड दे हैव अटेंड लिबरेशन, इनलाइटनमेंट। सो दोज हर्मिट्स दे राइट आर्यन कास, ठीक है। तो आर्यन कास में किसके बारे में नॉलेज है, व्हाट इज रिटन इन आर्यन कास, द नॉलेज इज अबाउट मिस्टिसिज्म,
That means the mystical nature of this universe, how this these planets are staying in their own orbits. ये planets अपने orbits में कैसे fix हैं? ये गिरते क्यों नहीं हैं? What is this gravitation all about? There is a law of gravitation, but how did this law came into force? What is that energy that is putting this law of gravitation and force? ये कौन सी energy है जो gravitation जैसा law बना रही है, जो अपने planets को orbit में रख रही है? What is this energy that created this entire universe? किसने ये पूरा universe बनाया? Whatever Big Bang you are studying, what is the universe, you know, science behind it? उसके पीछे का reason क्या है? तो all this mysticism is written in Arankas, which is written by hermits who are living in the forest. They are above everything. They are not living in cities or villages. They are in the forest meditating, and after years of hardships and penance, they have written down their knowledge in the Arankas. उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस Arankas में लिखा हुआ है. ठीक है, सो दैट इज द Arankas. Arankas डू नॉट डील विद द रिचुअल्स और मंत्रास, नो, इट डील्स विद द सीक्रेट बिहाइंड द यूनिवर्स. ओके, देन वी हैव उपनिषद्स. अब हमारे पास आते हैं उपनिषद्स. उपनिषद्स का मतलब क्या होता है? उपनिषद मीन्स टू सिट नियर समवन, टू सिट नियर समवन, दैट इज उपनिषद. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरीज अबाउट द कॉन्वर्जेशन बिटवीन शिव एंड पार्वती, राइट? आपने जरूर स्टोरीज पढ़ी होगी शिव पुराण में, शिव और पार्वती के बीच की बातें. देन देर आर नारद पुराण ऑल्सो, राइट? अब उसमें क्या होता है, नारद जी और किसी और के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन हो रहा है. सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट कॉन्वर्जेशन बिटवीन द डेमी गॉड्स एंड गॉड्स. ओके, दोज कॉन्वर्जेशन आर मेंशन इन उपनिषद. वो सारे कॉन्वर्जेशन जो है ना, वो उपनिषद में मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सो ओवर हियर उपनिषद का एक एग्जाम्पल है. वन एग्जाम्पल ऑफ उपनिषद इज कथोपनिषद. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट. कथोपनिषद, इट इज ए कॉन्वर्जेशन बिटवीन द गॉड ऑफ डेथ, दैट इज यम, एंड नचिकेता. नचिकेता इज अ स्मॉल 9-year-old बॉय, एक छोटा 9 साल का बच्चा. वो बात करता है यम से, यमराज से. यमराज इज द गॉड ऑफ डेथ. एंड ही टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है? ही टॉक्स अबाउट द रीजन बिहाइंड द डेथ. What happens after death? Death के बाद होता क्या है? What happens after death? All those important pointers are written in Kathopanishad. ठीक है, वो सारे pointers Kathopanishad में है. Then there is also one more very famous Upanishad that is known as, write it down, उसको हम बोलते हैं छंदोग्गय Upanishad. That is known as छंदोग्गय Upanishad. It deals with the knowledge on marriage. शादी के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, फॉर example, इफ यू मैरी योर ओन कजिन ब्रदर, अगर आप खुद के ही कजिन, अपने खुद के कजिन ब्रदर से शादी करते हो, देन द ऑफस्प्रिंग, द बेबी दैट विल बी यू नो बॉर्न, इट विल हैव सम जेनेटिक डिफेक्ट्स. ठीक है, तो अपनी फैमिली में शादी नहीं करते क्योंकि जीन्स में डिफेक्ट हो जाते हैं. सो छंदोग्गय उपनिषद टॉक्स अबाउट मैरिज, वाई इट इज नॉट गुड टू मैरी इन योर ओन फैमिली. अपनी फैमिली में ही शादी करना क्यों सही नहीं होता? बिकॉज जीन्स में डिफेक्ट होता है. ठीक है, इट इज साइंटिफिक नॉलेज. ऑल दीज साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आर यू नो मेंशन इन दीज उपनिषद. सो दीज उपनिषद आर ऑल्सो बैक्ड बाई साइंटिफिक एविडेंसेज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? ओके, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ उपनिषद, स्मॉल स्टोरीज विच हैव साइंटिफिक एविडेंसेज, दोज आर मेंशन इन उपनिषद. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सो दिस वॉज योर डेमो सेशन. ये था आपका आज का डेमो सेशन. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. आई होप इट वॉज ग्रेट. सो इफ यू एंजॉयड दीज क्लासेज, देन डू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस. द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, एंड यूज कोड शर्मा 20 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन.